वो सब भ्रष्टाचार की भेंट चला गया है। हम लोगों के यहाँ खरीफ फसल का बीमा पिछली साल जो खराब हो गई थी, घोषणाएं हो रही हैं, पैसा 209 करोड़ रिलीज हो गया है, सेंक्शन हो गया है, मुख्यमंत्री ने 50 करोड़ बढ़ा दिए हैं, फलाने ये कर दिया, फलाने ने वो कर दिया, लेकिन वो है कहाँ? जब तक हम लोगों को नहीं मिलेगा हमें हमसे वो क्या है? सम्मान निधि एक भीख के रूप में 6,000 रुपये साल देती है केंद्र सरकार, अरे वो भी वही दे दो, भीखई के रूप में दे दो, नाम तो सम्मान निधि लेकिन है भीख। उसमें भी 3 लाख किसान हैं पूरे जिला झांसी में, उनमें भी 35-40 हज़ार किसानों को मिल रहा है। ये जो व्यवस्थाएं गड़बड़ हैं, जो भ्रष्टाचार हमारे यहाँ चरम पर है, उनके विरोध में हम लोग यहाँ बैठे हैं। पहले दिन तो वान्या सिंह आई थी हमें ज्ञापन लेने, लेकिन उसके बाद कोई अधिकारी ने हम लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दिया है। इससे ये महसूस होता है कि हमारी औकात उनकी नज़र में क्या है। आश्वासन नहीं दिया, अभी उन्होंने ये कहा कि साहब डीएम साहब है नहीं, ACM साहब ने ज्ञापन लिया और जब DM साहब आ जाएंगे तो हम आपको बुलवा के वार्ता करवा देंगे। देखिए वार्ताएँ तो हमारी हो रही हैं 20 साल से, लॉलीपॉप तो दिया जा रहा है 20 साल से, आश्वासन तो दिए जा रहे हैं 20 साल से, अब हम आश्वासन लेने नहीं आए हैं। यहाँ हम अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए आए हैं, हमारी मांगें पूरी हो जाएंगी हम यहाँ से चलेंगे। उन्होंने एक भय और दिखाया कि कोरोना है, अरे कोरोना हमारा क्या बिगाड़ेगा, हमारे पास है ही नहीं कुछ, क्या करेगा कोरोना? कोरोना का उसको डर है जिन्होंने बैंक भर रखे हैं, बड़ी बड़ी कोठियाँ बना रखी हैं, अरबों खरबों रुपए का भ्रष्टाचार कर रखा है। हम तो भूखे पैसे मर रहे हैं, 5,000 रुपये मिल रहे हैं, 5 लाख रुपये दे रही है गवर्नमेंट, मर जाए तो साले 5 लाख रुपया तो मिलेगी, हमें डर नहीं है।